तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, उम्मीद होगा कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप टेक्नो फोन के सेफ चार्जिंग प्रॉब्लम मोड को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप टेक्नो का फोन यूज करते होंगे तो जब भी चार्ज में लगाने जाते होंगे तो चार्जिंग में लगाते समय आपके फोन में सेफ चार्जिंग मोड का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं आपको बताऊँगा उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बस आपको एक सेटिंग करना है, उसके बाद आपका 100% ठीक हो जाएगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हो कौन सा सेटिंग है तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइज, मैं आपको सेटिंग को बताता हूँ। इसके लिए आपको आने पर फोन के सेटिंग में आने बाद आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है DNS आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट DNS आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट DNS दिखाई दे रहा होगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यह आपके फ़ोन में ऑटो पर होता है, तो इसलिए जब भी आप अपने टेक्नो फोन को चार्ज में लगाते होंगे तो सेफ चार्जिंग प्रॉब्लम आता होगा, और आप दूसरे किसी कंपनी का डाटा केबल यूज करते हैं तब भी आता है। यदि आप टेक्नो का यूज करेंगे तो बहुत कम चांस होगा आने का, अदर कोई कंपनी का डाटा केबल यूज करेंगे तो सेफ चार्जिंग मोड आता है। लेकिन आपको एक सेटिंग करना है, उसके बाद वह भी नहीं आएगा। तो आपको इसे ऑटो पैथ से आपको ऑफ कर देना है। तो इसे आप ऑफ कर देंगे तो आपका सेफ चार्जिंग मोड कभी भी नहीं आएगा, उसके बाद आपका फोन भी फास्ट चार्ज होगा। तो इस तरह से आप इसे प्राइवेट DNS को फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद आपका सेफ चार्जिंग मोड का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियो के मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।